प्रोसेस का एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जो भी हाइपोथेसिस लेके आप अपनी रिसर्च कंडक्ट करवा रहे हैं उसकी टेस्टिंग एक बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर हम आपकी जो हाइपोथेसिस है वो कितना ट्रू है, किस लिमिट तक ट्रू है, इस चीज की टेस्टिंग करते हैं। तो उसी को हाइपोथेसिस टेस्टिंग को ही थोड़ा सा कंसेप्ट्स उसके हम इस पीपीटी के अंदर देखेंगे। हाइपोथेसिस है क्या? हाइपोथेसिस इज एन एजुकेटेड गेस अबाउट समथिंग इन द वर्ल्ड अराउंड यू। आपके आसपास वर्ल्ड में जो भी चल रहा है उसके बारे में एक तरीके का आपका गेस, आपका प्रिडिक्शन, वही आपकी हाइपोथेसिस है। यानी कि जो भी इवेंट्स आपके अराउंड चल रहे हैं उसके बारे में एक प्रिडिक्टिव अजम्पशन, वो हाइपोथेसिस कहलाता है। इट शुड बी टेस्टेबल ईदर बाय एक्सपेरिमेंट और बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जो भी आपका अजम्पशन है वो ऐसा होना चाहिए जिसको टेस्ट किया जा सके, या तो किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू या फिर ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ठीक है, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी हाइपोथेसिस की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि वो टेस्टेबल होना चाहिए, आप उसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू या फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अ न्यू मेडिसिन यू थिंक माइट वर्क। आपको क्या लगता है जो नई मेडिसिन मार्केट में लॉन्च हुई है वो वर्क करेगी या फिर नहीं? ठीक है, तो ये टेस्टेबल है, आप इस मेडिसिन पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं कि किसी पेशेंट को या किसी पर्सन को आपने वो मेडिसिन दिया और उसके बाद उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बेसिस पे आप एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बता सकते हैं कि आपकी हाइपोथेसिस थी वो सही है या फिर नहीं। अ वे ऑफ टीचिंग यू थिंक माइट बी बेटर। कोई नया टीचिंग मेथडोलॉजी आप यूज करना चाह रहे हैं, इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो अच्छा होगा या नहीं होगा, ये भी एक तरीके की हाइपोथेसिस है जिसकी आप टेस्टिंग कर सकते हैं। उसको आप टेस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर कि स्टूडेंट्स के कंसेप्ट्स में कितना चेंज आया। देन थर्ड इज अ पॉसिबल लोकेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। ठीक है, कोई न्यू स्पीशीज है किसी भी बर्ड की या किसी भी क्रीचर की, तो वो कहाँ पर आपको मिल सकती है, तो इसकी भी आप टेस्टिंग कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जिसको आप टेस्ट कर पाए और एविडेंसेस कलेक्ट कर पाए उस तरीके का अजम्पशन आपका हाइपोथेसिस कहलाता है। हाइपोथेसिस के डेवलपमेंट के लिए एक हाइपोथेसिस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पहले आपको एक स्टेटमेंट तैयार करना पड़ता है और उसके बेसिस पे आप रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। अब आपका स्टेटमेंट दिखना कैसा चाहिए, लाइक यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपकी हाइपोथेसिस स्टेटमेंट में इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट दोनों तरीके के वेरिएबल्स इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, आप टेस्टिंग तो उन्हीं की करेंगे ना, क्योंकि आपका जो रिसर्च है वो किसी वेरिएबल के ऊपर कर रहे हैं। वेरिएबल मैंने आपको पहले भी बताया था, वो चीज जो वेरी कर रही है, कोई भी फिनोमेना हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। जो चीज वेरी कर सकती है उसको हम वेरिएबल बोल रहे हैं, और उसी के क्या रिजल्ट्स हैं वो फाइंड आउट करने के लिए आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। और दो टाइप के वेरिएबल मैंने आपको बताए थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। ठीक है, जैसे प्राइस एंड डिमांड का हमने एग्जाम्पल लिया था, डिमांड कितनी होगी वो डिपेंड करेगी आपके प्राइस के ऊपर। तो आपका जो हाइपोथेसिस स्टेटमेंट है उसमें दोनों ही वेरिएबल इंक्लूड होने चाहिए, और इस तरीके का होना चाहिए। इफ आई, पहले आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंक्लूड करेंगे, देन उसका क्या इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे होगा वो वहां पर मेंशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, इफ आई गिव पेशेंट्स काउंसलिंग इन एडिशन टू मेडिकेशन, देन देयर ओवरऑल डिप्रेशन स्केल विल डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके का स्टेटमेंट है, हाइपोथेसिस स्टेटमेंट है, कोई डॉक्टर रिसर्च कंडक्ट कर रहा है कि अगर वो टेस्ट करना चाह रहा है कि मेडिकेशन के अलावा, सिर्फ मेडिसिन देने के अलावा वो उनकी काउंसलिंग भी करेगा, तो जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं उनका जो डिप्रेशन है वो कुछ हद तक ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो जो डिप्रेशन का लेवल है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, काउंसलिंग और मेडिकेशन पे। ठीक है, तो
तो डिप्रेशन का जो लेवल है वो हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और काउंसलिंग क्या हो गया यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो दोनों चीजें मेंशन हो गई आपके स्टेटमेंट में। देन सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, इफ आई गिव एग्जाम्स एट नूट इंस्टेड ऑफ 7, मतलब कि इवनिंग में 7 की बजाय अगर आप एट नून यानी कि 12 बजे के अराउंड आप एग्जाम देंगे, देन स्टूडेंट्स टेस्ट स्कोर्स विल इम्प्रूव। अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, स्टूडेंट के टेस्ट स्कोर, वो किस पे डिपेंडेंट है, टाइमिंग पे, यानी कि इवनिंग की जगह अगर आपने आफ्टरनून में टेस्ट कंडक्ट किया तो स्टूडेंट्स के टेस्ट स्कोर इम्प्रूव कर जाएंगे। तो यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों ही इंक्लूडेड हैं। तो रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए पहले आपको इस तरीके का एक हाइपोथेसिस स्टेटमेंट फ्रेम करना होता है। स्टेटमेंट के कुछ फीचर्स होने जरूरी हैं। हाइपोथेसिस स्टेटमेंट में इफ एंड देन ये दोनों टर्म्स होनी चाहिए, देन इंक्लूड बोथ द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, दोनों ही तरीके की वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इंक्लूड होने चाहिए, बी टेस्टेबल बाय एक्सपेरिमेंट सर्वे और अदर साइंटिफिकली साउंड टेक्निक। ऐसा आपका स्टेटमेंट होना चाहिए जो कि टेस्ट किया जा सके एक्सपेरिमेंट के थ्रू, सर्वे के थ्रू, या किसी ऑब्जर्वेशन के थ्रू, या किसी और टेक्निक के थ्रू। मतलब ऐसा ही खाली सपोजिशन ना हो जिसको आप टेस्ट ना कर पाओ, ठीक है। तो कोई ऐसा स्टेटमेंट आपको लेना है जिसकी टेस्टिंग हो सके, जिसके अगेंस्ट आप, जिसके फेवर में या अगेंस्ट में आप क्या कर सको, कुछ एविडेंसेस कलेक्ट कर सको। तो इस तरीके का स्टेटमेंट होना चाहिए, बी बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन प्रायर रिसर्च ईदर योर्स और समवन एल्सेस, ठीक है। मतलब कि आप बेस्ड होना चाहिए किसी रिसर्च पे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप जो डेटा कलेक्शन करते हैं वो प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू, तो सेकेंडरी सोर्सेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी आप रिसर्च स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो सेकेंडरी आपकी जो डेटा की अवेलेबिलिटी है, किसी ने उस पर रिसर्च करी हुई है, उस पर उससे इन्फ्लुएंस्ड होना चाहिए आपका रिसर्च स्टेटमेंट। इस टेस्टिंग में क्या होता है कि इसमें आप स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करते हो किसी भी हाइपोथेसिस की प्लॉजिबिलिटी को चेक करने के लिए। अब प्लॉजिबिलिटी क्या है कि आपकी रिसर्च किस लिमिट तक ट्रू है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एविडेंसेस चाहिए होते हैं जिसके लिए आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज करते हैं। आपका एक्सपेरिमेंट का रिपीट यूज तब तक नहीं होगा जब तक कि आप उसको प्रूव ना कर दें, ठीक है। जैसे पहले 9 प्लैनेट्स कहे जाते थे सोलर सिस्टम में, लेकिन 2006 में प्लूटो उससे हटा दिया गया सोलर सिस्टम से, ठीक है। अब सिर्फ 8 प्लैनेट्स रह गए हैं। तो उस हाइपोथेसिस के लिए कि देर आर ओनली 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, इस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के लिए रिसर्चर्स को कई सारे प्रूफ्स देने पड़े, एविडेंसेस देने पड़े, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये एक्सेप्ट किया गया कि प्लूटो एक प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता है, हम सिर्फ 8 प्लैनेट्स को अब मानते हैं। तो कोई भी आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, कोई भी हाइपोथेसिस आप लेके चल रहे हैं, वो टेस्टेबल होना चाहिए और उनको स्टैटिस्टिकल टूल्स के थ्रू उसका ट्रुथ, उसकी प्लॉजिबिलिटी को चेक करना, वही हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। और ये कैसे करते हैं आप, जो भी स्टैटिस्टिकल टूल्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो एक रैंडम सैंपल पे अप्लाई हो रहा है। रैंडम सैंपल यानी कि पूरी पॉपुलेशन पे आप अपने टेस्ट को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। आपने पॉपुलेशन में से एक सैंपल निकाला था, एक छोटा ग्रुप निकाला था, ठीक है, उस पे अपने ऑब्जर्वेशंस को आपने रिकॉर्ड किया था। अब उस सैंपल के जो ऑब्जर्वेशंस मिले हैं उन पे आप अपना स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करोगे उसके ट्रुथ को चेक करने के लिए। इस टेस्टिंग के कुछ स्टेप्स हैं, फिगर आउट योर नल हाइपोथेसिस, स्टेट योर नल हाइपोथेसिस, चूज व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट यू नीड टू परफॉर्म, ईदर सपोर्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। सबसे पहले आपको अपनी नल हाइपोथेसिस को डिटरमाइन करना है, उसके बाद नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट आप लिखेंगे, चूज व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट, अब किस तरीके का स्टैटिस्टिकल टेस्ट आप अप्लाई करेंगे अपने नल हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए, वो डिपेंड करेगा किस तरीके के आपके वेरिएबल्स हैं या किस तरीके का आपकी पॉपुलेशन है। देन टेस्ट के बेसिस पे या तो आप अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि यहाँ पर नल हाइपोथेसिस है क्या।
हाइपोथेसिस एक थ्योरी को रिप्रेजेंट करता है जिसको इसलिए तैयार किया गया है ताकि आपकी आगे थ्योरी के लिए एक बेस तैयार हो जाए या फिर आर्ग्यूमेंट आप अपनी हाइपोथेसिस के अगेंस्ट कर पाए उसके लिए आप इसको तैयार कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जिसको माना जा रहा है कि ऐसा हो सकता है लेकिन अभी उसके फेवर में किसी भी तरीके के एविडेंसेस नहीं है। हम मान के चल रहे हैं कि जो नल हाइपोथेसिस आप बना रहे हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वो ट्रुथ हो सकती है, वो ट्रू हो सकती है, लेकिन अभी वो प्रूव्ड नहीं है। अभी आपके पास उसके फेवर में प्रूफ्स नहीं है। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच नॉट से। यहाँ पे देखिए जैसे एच जीरो लिखा हुआ है तो नल हाइपोथेसिस के रिप्रेजेंटेशन के लिए आप एच नॉट को यूज करते हैं। तो जो फर्स्ट अजम्पशन आप अपनी रिसर्च को लेकर चल रहे हैं, जो अपनी रिसर्च के बारे में जो फर्स्ट अजम्पशन, फर्स्ट टेंटेटिव सॉल्यूशन आप लेके चल रहे हैं वो आपकी नल हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस क्या कहती है कि पॉपुलेशन पैरामीटर्स और सैंपल स्टैटिस्टिक्स के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था जो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टैटिस्टिक्स की टर्म्स में उनको हम पैरामीटर कहते हैं और जो सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टैटिस्टिक्स की टर्म्स में उनको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो सैंपल के स्टैटिस्टिक्स में और पॉपुलेशन के पैरामीटर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये आपकी नल हाइपोथेसिस कहती है। दैट मीन्स जो सैंपल के ऑब्जर्वेशन है सेम एज इट इज आपके जो ऑब्जर्वेशन होंगे आपकी पॉपुलेशन के, जो सैंपल के रिजल्ट्स हैं वैसे ही आपकी पॉपुलेशन के भी रिजल्ट्स होंगे, उनमें आपस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस कहती है देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर्स एंड सैंपल स्टैटिस्टिक्स। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है? आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस की ऑपोजिट है। जिस चीज की टेस्टिंग हम अपने रिसर्च के अंदर कंडक्ट कर रहे हैं वही स्टेटमेंट हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए एक आर्ग्यूमेंट तैयार करने के लिए ही हम नल हाइपोथेसिस को तैयार करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें जो बेसिक रिसर्च है हमारी वो हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है और उसके आर्ग्यूमेंट के लिए जो भी हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं वो हमारा नल हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस को हम एच ए से सिंबलाइज करते हैं या एच वन से भी करते हैं। जैसे कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में एग्जाम्पल हो सकता है द पॉपुलेशन मीन रिटर्न इज नॉट इक्वल टू जीरो। वहां पर नल हाइपोथेसिस में क्या है, किसी भी पॉपुलेशन का मीन आप जीरो मानकर चलते हैं। जीरो का मतलब क्या है कि सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में कोई भी सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहती है कि पॉपुलेशन का मीन आपका इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। दैट मीन्स सैंपल का मीन और पॉपुलेशन का मीन में आपस में डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब अगर एक ट्रू है तो दूसरा ऑब्वियसली ट्रू नहीं होगा। एक टाइम में एक ही स्टेटमेंट आपका ट्रू हो सकता है, या तो नल हाइपोथेसिस या फिर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। और ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी है क्योंकि दोनों में से एक को तो ट्रू होना ही है। हाइपोथेसिस की टेस्टिंग का जो फाइनल कंक्लूजन होता है वो नल हाइपोथेसिस की टर्म्स में ही दिया जाता है। या तो आप बोलेंगे कि रिजेक्ट एच नॉट इन फेवर ऑफ एच ए, या तो आप बोलेंगे कि एच नॉट यानी कि नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, या फिर बोलेंगे कि नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड। हम कभी भी ये नहीं कहते कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी या फिर वो एक्सेप्ट होगी। हमेशा आप और नल हाइपोथेसिस की टर्म्स में आंसर करते हैं, कंक्लूजन देते हैं, वो भी रिजेक्शन की टर्म्स में। या तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है या फिर वो रिजेक्ट नहीं होती। अगर रिजेक्ट हो रही है इसका मतलब ये है, ऑटोमेटिक रिजल्ट ये है कि आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है। और अगर हमारा कंक्लूजन आ रहा है कि नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड, इसका मतलब क्या है, आपकी जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गई है।
तो हमेशा नल हाइपोथेसिस की टर्म्स में आप अपना कंक्लूजन देते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है। इसका ये मतलब है कि हमारे पास सफिशियंट एविडेंसेस नहीं है अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस, यानी कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए हमारे पास सफिशियंट एविडेंसेस नहीं है, इसलिए वो रिजेक्ट नहीं हो पा रही है। और अगर आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है तो उसका मतलब क्या है कि आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू हो सकती है। क्लियर? यानी कि हमें कैसे भी करके नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की कोशिश करनी होती है। नल हाइपोथेसिस का अपने आप में मतलब ही है नलिफाई, यानी कि जिसको हम नलिफाई कर सकें, यानी कि जिसको रिजेक्ट कर पाए। नलिफाई यानी कि नथिंग, जीरो। तो नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्शन के लिए फॉर्म करते हैं। तो ऐसी चीज लीजिए आप, ऐसा नल हाइपोथेसिस सेलेक्ट करिए जिसको रिजेक्ट करने के पास आपके पास प्रॉपर एविडेंसेस हो। ये जो नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमने फ्रेम करी है, अब हमें उसकी टेस्टिंग करनी है, ताकि टेस्टिंग के बेसिस पे हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर पाए या फिर उसको रिजेक्ट कर दें। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस लेवल क्या है? देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि हमारी नल हाइपोथेसिस हमेशा सही तरीके से रिजेक्ट हो या एक्सेप्ट हो, क्योंकि सैम्पलिंग की प्रोसेस के दौरान कई सारी एरर्स आ जाती हैं। ठीक है, एरर्स जैसे पहले पढ़ाई थी मैंने आपको, सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर, जिसकी वजह से कुछ ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा सैम्पल है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ही हो पॉपुलेशन का। अब तो जो नल हाइपोथेसिस हमने फ्रेम करी है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो सही होती है, यानी कि वो ट्रू होती है, लेकिन उसके बावजूद हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यही प्रोबेबिलिटी, इसी बात की प्रोबेबिलिटी, यानी कि इसी बात का चांस कि नल हाइपोथेसिस को ट्रू होने के बावजूद हमने रिजेक्ट कर दिया, वो हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है। ठीक है, द सिग्निफिकेंस लेवल इज अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द एविडेंस, जो आपके पास एविडेंसेस हैं। ठीक है, मतलब आपने जो सैंपल बनाया है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के, आपके पास जो एविडेंसेस हैं उनके पास कितनी स्ट्रेंथ है कि वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर पाए, वो आपका सिग्निफिकेंस लेवल होता है। तो ये एरर यहाँ पर आ जाती है इस वजह से, क्योंकि नल हाइपोथेसिस ट्रू थी लेकिन आपने उसको तब भी रिजेक्ट कर दिया। तो इसी चीज की प्रोबेबिलिटी, कितना चांस ऐसा है कि सही होने के बावजूद नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दी जाती है, वो सिग्निफिकेंस लेवल कहलाता है। लेवल को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू जनरली 5% या 1% ली जाती है, जिनको 0.05 या 0.01 भी कहा जा सकता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हाइपोथेसिस टेस्टिंग को समझिए। यहाँ पर क्या है, एक पर्सन टेस्ट करना चाहता है कि कोई भी, अगर आपने कॉइन टॉस किया, कोई भी पैनी टॉस किया, तो उसके 50% चांसेस हैं कि वो हेड की तरफ से लैंड करे। ठीक है, यानी कि जब वो गिरे तो 50% चांसेस ऐसे होंगे कि हेड्स आएगा। तो इस चीज़ की वो रिसर्च कर रहा है, इस चीज़ का वो टेस्ट करना चाहता है। तो इस केस में आपकी नल हाइपोथेसिस क्या होगी, जो आप फर्स्ट चीज, जो फर्स्ट बेसिस, जो फर्स्ट अजम्पशन अपने रिसर्च के बारे में लेके चल रहे हैं, नल हाइपोथेसिस क्या हो सकती है कि यस, ऐसा होता है कि अगर आप कॉइन को टॉस करेंगे तो 50% टाइम्स आपका हेड आएगा। दैट मीन्स ये यस वाली कंडीशन आपकी नल हाइपोथेसिस होगी कि 50% टाइम्स हेड्स आएगा। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगी, इसके ऑपोजिट, कि ऐसा नहीं होगा, मतलब 50% से ज़्यादा बार भी आ सकता है और 50% से कम बार भी आ सकता है, लेकिन 50% आप नहीं कह सकते कि 50% चांसेस हैं कि वो हेड्स पे लैंड करें। क्लियर? तो नल हाइपोथेसिस होगी कि यस 50% चांसेस हैं, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी कि 50% चांसेस नहीं हैं हेड्स पे लैंड होने के। अब मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नल हाइपोथेसिस को, जैसे मैंने बताया था कि H नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू इज इक्वल टू 0.5,
म्यू का मतलब क्या है, पॉपुलेशन का मीन, जो मैंने आपको पहले भी बताया था पॉपुलेशन पैरामीटर्स में हम पॉपुलेशन की मीन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मींस यहाँ पे 50% चांसेस हैं, तो 50% को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.5 से। तो आपकी नल हाइपोथेसिस क्या हो गई, एच नॉट कोलन म्यू इज इक्वल टू 0.5। अब इसी ही नल ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एच ए से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपली इक्वल टू की जगह आप नॉट इक्वल टू कर दीजिए। ठीक है, नल हाइपोथेसिस कहती है कि 50% चांसेस हैं और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहती है कि 50% चांसेस नहीं है, तो एच ए कोलन म्यू इज नॉट इक्वल टू 0.5। रिसर्चर ने एक कॉइन को फ्लिप किया 100 टाइम्स, यानी कि उसने 100 का सैंपल साइज लिया, 100 टाइम्स कॉइन को फ्लिप किया, जिसमें से 40 टाइम्स ऐसा हुआ कि हेड्स पे आपका कॉइन लैंड करा और 60 टाइम्स ऐसा हुआ कि टेल्स पे आपका कॉइन लैंड करा। तो इससे एनालिस्ट क्या कंक्लूड करेगा कि यहाँ पर 50% चांसेस नहीं है, मतलब यहाँ पर इस केस में पर्टिकुलरली 50% से कम चांसेस ऐसे हैं कि आपका कॉइन हेड्स पे लैंड करेगा। दैट मीन्स आपकी नल हाइपोथेसिस यहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा कि द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, द चांसेस आर नॉट 50% दैट अ कॉइन विल लैंड एट हेड्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आपने नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दी, इसका मतलब ऑब्वियस मीनिंग क्या हुआ कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ टू फॉर्मुलेट नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस।